की कोई बात है, यहाँ पे अतुल भाई और रक्कू सिंगर है, जो इनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उनके साथ में लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे अपन। तुम्हारे 20-30 हजार रुपए तुमको बहुत बड़े लगते हैं भाई, मेरा पैंट 40-50 लाख का है, मैं किसको बताने जाऊंगा। अतुल भाई हिंदी में बात कर सकते हो आप और हिंदी में बता सकते हो क्या सच्चाई है और क्या झूठ है? हमने झूठ बोला होगा तो आप बता सकते हो यहाँ पे लाइव में हमने झूठ बोला है ऐसा, और सच बोला भाई होगा मेरे घर ये भी में बैंड बता बजी, देना। मेरे घर पे बैंड बजी थी भाई, पर पूरे दिन दूसरे दिन पूरी रिकामी थी, और मैंने 20 हजार के मैंने टी शर्ट भी बनवाए थे। ये तो हाँ आपने बनवा दिया था, ये मैंने नहीं बोला था आपको, नहीं हाँ टी शर्ट इनको बना देना तो ऐसा, ये जो तो आपकी मर्जी जो से आप अपने बना आर्टिस्ट दिए के थे। जो अपने आर्टिस्ट के वहाँ फ्री में बजाया था, उनसे बात क्यों नहीं हो रही, हमारी बात क्यों हो रही? वो बात तो बहुत अच्छी है, वो जो हमारे टिंगरी प्लेयर थे दोस्तों और जो ढोल पे ढोल वाले थे उनके, एक बात, मैनेजर के वहां भी हमने फ्री में बजाया था। वो हाँ पैसा तो मैं बोल रहा था जो कि तुम्हारे पास में मैंने फ्री में बैंड बजाया वो पैसा मुझे दे दो, और हमारे यहाँ तुमने बजाया होगा उसका पैसा हम आपको दे देंगे, ये बात तो मैं तभी बोला था क्योंकि मैंने 4 प्रोग्राम फ्री में बजाया था, 4 प्रोग्राम से कम मेरे 2-2.5 लाख रुपए हो रहे थे, मैं अभी भी वो कैलकुलेशन करके आपका पैसा दे सकता हूँ, प्रोग्राम के पैसे मिले तो। तो मेरे घर पे बजाया था उसका कितना होता है? और आपके आपके दोस्त की शादी थी, मैं उसको पहचानता नहीं था, और आपने बोला कि मेरा दोस्त है पैसे की बात मत कर, इतना पैसा देगा वो ले लेना, ये बैंड 40-50 लाख रुपए और मैं 10% पैसा बैच लेके तुम्हारे दोस्त के यहाँ और रिश्तेदार के यहाँ बैंड बजाने के लिए पस्तीस ने बैंड बनाया था। पस्तीस ले दिला हाँ पस्तीस। हाँ 35 हजार आदमा वो आमा ओपे एडवांस हाँ किसने दिया था ये तेरे पास कारागिर था, और मेरे को पता नहीं उसने 35 दिया था या 40 दिया था। चार गारा गिरूं उचरिया पैसा काटिन कोता बेता नाइटू कोता लियो को 1 लाख ले होगा, एक नाइट को लाख मैं लेता है चालीस नाइट का। नाइट का पैसा तो मैं 50-55 हजार लेता, कर किधर भी जाता था 50-55 हजार रुपए, ये सबको पता है। पंचे चालीस तू बिल है दियो, पंचे चालीस में बजाया पंचे होगा, मैंने चालीस का तीस बिल है हजार वो में भी भी दो। प्रोग्राम मैंने 30 हजार में भी प्रोग्राम हाँ वो बजाया भी था दो और बिल, आपको पूरे पैसे दिया था। हाँ तो वो बिल दे 50-60 की दियो। बात तो 70 का भी नाइट का है, 60 का भी नाइट का है, मैंने 30 में भी प्रोग्राम बजाया था फिर भी आपको पैसा दिया था पूरा। कहे नहीं कहे दे दिला मैंने जो हिसाब करके दिया वो दिया ना आपको, कुकर मैंने 30 हजार में प्रोग्राम लिया था ना, उसमें ना गाट का पैसा भी देके आपको प्रोग्राम मुंडा, में दिया था मैंने पैसा। कुकर मुंडा के पास से दिए थे एक प्रोग्राम के, वो पता है हाँ डेढ़ उठ बोलो प्रोग्राम भाई के रिलेटिव में प्रोग्राम था, वो भी 50 हजार का प्रोग्राम था, वो भी मेरे को पता है। तो वो डेढ़ प्रोग्राम के पास से दिए थे वो। ये प्रोग्राम के पैसे की बात छोड़ो और सच्चाई क्या है ये बोल दो पब्लिक को, हाँ वो ये पब्लिक को चुतिया क्यों मत निकले बनाओ, हैं नीलेश हम, भाई ने क्यों पैसा निकले नहीं हैं दिया हम, और ये नहीं तेन दिया, साला छपरी के तुमने ना लाखो रहा तो गोट छपरे या ती काहे छपरे जाई क्या तू का ही सब मतलब, हुई आप छपरे छपरी लोग रहा, नहीं है, छपरे आप कहा को छपरी तो है, छपरे आप कहा को छपरी लावे हैं वहां है पे। या नहीं है ये बताओ, आमो आप काय नहीं पे होंगे तो नहीं पहुंचे, आमो बताओ, काय पे ना बोल कैसे दो तो होंगे होगा तो हाँ जाए। बोल दो। हाँ ना पर छपरी के लाए गलो मैंने ये गेर बात लांगलो के मुझे छपरे पता को नहीं थी कि ये बात आप दिल पे ले छपरी लेंगे, ये तो ते मैंने कहे दो ना तीन लागते हैं दो रहते छोटे रहते हैं फाटले पोता। ये बात तो सच है, छपरी किसको बोलते हैं, लेकिन ये बात मैं तो ऐसा तो मैं मालूम ना तुमसे छपरी कली केला बात लगते ताऊ ऐसे का ऐसा मार मेरा राजा दिमाग में और कौन मेरे पोचा दिल खाई में रहता जाए तो मैं यार ताऊ, आपको गोट ऐसा खाली ते कमेंट नहीं छपरी करता। बंदे आती ने ती आती रह तू कहा जाए रे नोई सर भाव, छपरी छपरी बात चाले की मत। छपरी चाले भाई हमारे नीलेश भाई करते हैं, 2 बियर पी लेते हैं और नंगे होके नाच के दिखाते हैं फिर। ये बात तो सच है लेकिन पैसे में बिक जाते हैं, ये बात भी पब्लिक को बता देना, पैसा ही बहुत क्योंकि मेरा है, हमारे माँ बाप क्योंकि पैसे यहाँ पे खुश मेरा नहीं मामा होता। यहाँ जीता यहाँ जीवता जागता बैठा हुआ, यहाँ ये लोग पैसे लेके मेरे मामा को 2 घंटे वहाँ पे बंदर बना के रखा था, ये मेरे मामा की इज्जत है, ये लोग पैसे में बिक गए थे, जो कि वहाँ पे एक शब्द नहीं बोले, मेरे मामा को भेजा था इनके साथ में, ये यहाँ पे बैठा है दो दो तास वहाँ पे राजपिपला के बस स्टैंड रिकॉर्डिंग पे है बैठ नरा रहा था मामा मेरा पे, मामा। मामा पे रिकॉर्डिंग है नरा, हाँ उना मामा वाला के पास सब रिकॉर्डिंग है कुछ नरा। है लेकिन मेरा मामा 2 कलाक वहाँ पे वेट कर रहा तो था, मामा क्या कर आपने रहा क्यों था और नहीं तू क्या बोला? कर रहा था वो भी बोलना पब्लिक को क्या, हाँ उसमें मैं हम बात बात तो कर रहे मैं तो वही वो बोल रहा क्या था, क्या कर रहे थे वो भी बोल दो। पैसे देख के आपको नंगा नचाएंगा तो आप नाचेंगे ऐसा आपको बोल रहा था मैं, तो वो तू नंगा नाच आपको रहा था, मैसेज दे रहा था मैं कि आपको आपने पैसा लिया है ना, आपको नंगा नाचने को बोलेगा तो आप नाचेंगे क्या, ये बोल रहा था आपको, वही मैसेज था वो। पब्लिक को चुतिया मत बनाओ तुम, जो वहाँ पे यहाँ पे बोल दो, और पैसे की बात ये जो हमने क्या तुम्हारे ऊपर एहसान किया है वो तुम
तुम हमें हम किसको बताने जाएंगे, हम तो हमारे ऊपर है वो भाई, बात। हमारी ये बात तो मैं मर्जी, हम कारागिर है, कहीं भी जा सकते। तो तूने थोड़ी स्टैंप लिखा है कि भाई तेरे बैंड में तुम्हारे नहीं। जैसा मैं बेशर्म नहीं हूँ। तुमको लोग तो ट्रोल करते हैं, तुमको लोग कमेंट करते हो और तुम उनको बेशर्मों की तरह रिप्लाई करते हो। तुम सुधर जाओ, टाइम है तुम्हारे पास। और हमने क्या हमारे किया है तो पास सुधर इतना जाए? तुम्हारे टाइम है, मुझे मुझे आपके मुंह पास लगने का कार कुछ में इसीलिए फायदा कमेंट नहीं कर था। रहे हो, लेकिन ये बात अफ्रीका में हो इसीलिए। मैं ये बात कहना चाहता था कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसमें ये बात बोलने का था मुझे। क्या है? और आप और बोलो इतने दिन से तो गांड पैसे का कीड़ा तेरा किसको कुछ नहीं लगने काम वाले था, और थे, अभी पैसे क्यों? किसको लगने वाले थे, और होता ये दे के ठाको जातो का। कने, होता दे ठाको जातो अचानक के हैं। तो ये बात अच्छी है, अच्छा मैं अच्छा था, लेकिन आपने कल बोला ना 2 बियर पी के ज्यादा बोलने से अच्छा है तो कारागिर को कमेंट पैसे दे करने दो की क्या ऐसा। बात थी, कमेंट किसने की थी पहले? कमेंट तो मैंने किया था, लेकिन हाँ ये तो बात मेरे को बस पता नहीं, ये चॉकलेट बात में आप दिल बस पे ले चॉकलेट लोगे। फिर कमेंट करने का, कमेंट कमेंट करने का क्या तो मैंने मतलब था किया था। पहले? कमेंट की बात तो छपरी गैंग की बात तो मैं बोल सकता हूँ। मैं आपको आप छपरी होंगे तो आपको लगेगा, नहीं होंगे तो नहीं लगेगा। छपरी गैंग वो अपने अपने तुम्हारी भी रिलेटिव थी वो लड़की, और मेरी भी रिलेटिव थी। मुझे पता नहीं था कि ये बंदी आपको दिखा देंगे और कोई तो बंदा एक बंदी स्क्रीनशॉट रंदी निकाल लेगा। निकलेगी। मैंने मैंने ऐसे मैं मजाक में वहां पे कमेंट किया था, इमोजी डाल के किया था, ऐसा गुस्से में नहीं किया था, इमोजी डाल के किया था। छपरी गैंग ऐसा वो लाइव में दिखा रहे थे, लेकिन वो बात मुझे पता नहीं, आप लोग वो दिल पे ले लेंगे और आप सीरियस ले लेंगे ऐसा। बोलने का तो इसलिए मतलब वही हुआ ना भाई तेरा। नहीं ना, इसलिए मुझे पब्लिक में बोलना पड़ा अभी कि हम क्या सच्चाई है इमोजी और क्या झूठ है। इमोजी हम इमोजी स्माइल वाला रख के बोले देंगे कि तेरी तेरी माँ की चूत, ऐसा तो तेरे को अच्छा लगेगा। वो ऑडियंस का काम है, ऑडियंस कुछ भी बोलेगा ना तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसा बेशरम नहीं, मैं उनको कमेंट करूंगा। मेरे पास तुम्हारे क्रीन ऑडियंस शॉट है, में मैं 10-12 आपको फेक आईडी है ना, मेरे दस मेरे बारह फेक पास आईडी मेरे पास बहुत क्रीन शॉट है आपको जो कमेंट करते लोग, और आप उनको रिप्लाई देते हैं ना, ऐसा क्रीन शॉट मेरे मेरे पास बहुत है। मैं आपको अभी भी हाँ, हमारे पढ़ पास के भी बता बहुत सकता है हूँ। कि जो रॉकी का और सुपर जनकर की टक्कर हुई थी तब क्या कर रहा था, और अभी साथ में मिलके खा रहा है ना, वो भी ये पता बात है। टाइम था वो भी टेबल की पता है होती है, हमको, ये गाली बात टाइम का टाइम बोल की दे रहा होती था है। को कैसे जो साथ हिसाब है, लगाया, शिवम भाई जो हमारे साथ से है बात का उसको बोलता देखने रहे हमारे का, पास, जो छोड़ के गया उसको भूल जाने का। गाड़ी से ठोक के मार दूंगा वो बोल रहा था शिवा हाँ को, वो अब भी है हमारे पास। ये बात तो मैं आपको भी बोला था, तेरे को भी ठोक दूंगा ऐसा, ये उसको बोला नहीं, ये मैं जो बोलता है रोक ठोक बोलता है, तो ये तो आपको भी बोला था मैंने, तेरे को भी तो ठोक दूंगा सुपर ऐसा। जनकर के ऑफिस पे आया लेकिन था उस दिन, नहीं टाइम की बोला। बात रहती है वो, टाइम के आज जो साथ है उसको साथ में लेके चलने का, जो नहीं है उसको बोल जाने का, वो टाइम की बात होती बराबर, है। टाइम आने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, वो बात बोल रहे हो हाँ आप बराबर। हाँ हाँ वो जिसकी टाइम की बुराई बात करते थे रहती उसकी साथ ही रहते हो अभी, मस्त। है। तो दोस्तों यही कहना चाहता था, क्या सच्चाई थी और क्या झूठ आपने सुनी लिया होगा। ये बात एक ही बात हुई थी, मैंने इनको कल लाइव में 2-3 आदमी थे, वो कोई बंदी थी जो हमारे रिलेटिव थे और इनकी भी थी, उसके थे इसके पेज पे मैंने छपरी गैंग करके मुझे डाल के कमेंट कर दिया था। ये बात ये दिल पे ले लिए थे और सीरियस हो गए थे, मेरे को पता नहीं। मैंने इनको बोला था यार कि रिकमा काम छोड़ दो, ये इनको टोल करो उनको टोल और करो, ये अभी काम हमारी मेरे एक पास बात इतना है, टाइम अभी नहीं है। नीलेश भाई हमसे जितना पैसा निकलता है वो टोटल लिख के रखो, फिर बाद में लाइव आके वही टोटल तुमको मैं तो रिटर्न बोल पैसे सकता देंगे। हूँ, हम मैं तो हाँ रिटर्न बोल पैसे सकता देने हूँ। वाले हैं दोस्तों हम नीलेश भाई को, और वो लाइव हम जल्द ही आएंगे, 2-4 दिनों में आ जाएंगे मैं लाइव, तो इस यही पे बोलूंगा, पैसे देने जाएंगे तब। पहले मेरे पैसे तुम्हारे यहाँ फ्री में डीजल बिना डीजल हाँ के वो भी बैंड बजाया था, देंगे, उसका हम पैसा वो दो। भी जरूर आपके देंगे, रिश्तेदार आपके दोस्त के शादी में बैंड बजाया था, वहां के पैसा दो। वो भी और देंगे वह कुछ सिंगर दोस्तों, बोल रहा हम ये था वादा यहाँ पे करते हैं बैंड नीलेश लेके भाई आओ, नहीं तो को। मैं मेरा हिसाब कर देना। उसको भी बोल देना भाई कि 1 लाख का भी और 40-50 हजार जितनी गाली हमने लगता, प्रोग्राम में पहले वो खाई थी पचास वो भी हजार दे देंगे, दे। जिस प्रोग्राम में ये सो जाता था भाग जाता था, जो गालियां हमने खाई थी वो भी देंगे, सूद समेत देंगे। और लाइव आएंगे वो पैसे देने आएंगे तब। तो सब बैंड वालों का काम है भाई, पब्लिक का गाली देने का काम है, क्योंकि पब्लिक पैसे देती है, लाख लाख रुपए देती है। वो क्या ऐसे फुकट में नहीं बुलाती अपन को, गाली खाना और चलो कमेंट खाना और मार खाना अपन का काम है, क्योंकि अपन पैसे लेते हैं भाई, फुकट नहीं चलो, बजाने एक को तारीख जाते। जाना है, चलो एक तारीख बता दो अभी कि कब चाहिए तेरे पैसे। मैं हिसाब कर देता मेरा नाइट का इतना पैसा होता है, इतना पैसा मुझे दे दो, ओके और ओके आपको मैं चलो, जितना होगा और उसका हमारे आपको पैसे आपको दे हमको दे दूंगा मैं। देना सबके। हाँ ओके।
है ये बात डन, और पब्लिक में लाइव आएंगे इस दिन लाइव जब हिसाब होगा। जरूर 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 आना जरूर, लेकिन ये बात याद रख तो सच है दोस्तों, के जाने के मेंबर का मास्टरमाइंड अतुल भाई था, जो कि कोई जाने वाला नहीं था, पैसा इसको लगने वाला था, लेकिन ये बंदे ने सबको लेके गया था। और ये बात हमारी मर्जी थी, जाने में हमारी मर्जी थी, हमारी मर्जी थी, तुम्हारी मर्जी जा सकते हैं, तुम्हारी मर्जी थी, तुम मेरे यहाँ काम कर रहे थे, मेरे को बताया था आपने, हम छोड़ के जाने वाले हैं, बाप के बंदे हुए नहीं है, हमारी मर्जी थी, हमारी मर्जी थी, तुम्हारी बात तो सही है, आपने मुझे बताया था। तेरा मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मेरी मर्जी है, मैं करागिर हूँ, किसी की जेल में जाऊँ, मैं ये बात होता है करने वाला हूँ, मैं किसी को खरीद नहीं लिया हूँ, लेकिन ये बात मैंने तो आपको बोला ही नहीं था, आपने कही होगी तुम्हें बोला ही नहीं था तुम वापस आ जाओ, तू कौन होता है रे भाई, क्या यार तू, मैंने आपको बोला ही नहीं था यार, मैं आपको खरीद ले रहा हूँ, तुम आ जाओ मेरे साथ, मैंने बोला ही नहीं था रखने की उनके पैसे। अरे भाई तूने हमारे गाँव के हेल्पर है उनके पैसे बाकी है, रुक दिखाता हूँ तेरे को, टिमकी वालों के पैसे नहीं दिए रे भाई तूने, तेरी औकात नहीं है कलाकार को हैंडल करने की, तो मात्र चला तो तुम्हारी नहीं थी, इसलिए भाई तेरे पे नहीं होगा, ये वहां मांगे थे रेंडे व्यवहार पे भाई, वो तू भी जोड़ीदार की बात करती ना, तुम यहीं पे काम करते चलती थी भाई, तेरी 30-35 हजार वाली वही चला तू, वो स्टार के बाद भी बोलता, इस तार जब चल रही थी ना भाई, तेरे मामा के लड़के में शादी में फ्री में बैंड बजाया था 10 हजार में, वो बात नहीं बोलूंगा मैं, उस टाइम की बात भी अभी बोलूंगा भाई, वो टाइम पे भी 10 हजार में तेरे मामा के यहाँ पे मैंने बैंड बजाया था, वो हिसाब भी बाकी दे देना, वो पैसे भी मेरे को अभी इतना लगता होगा ना भाई, दे देना, हाँ भी कुक ड्रीम बाज ले, हाँ अभी भी तुम्हारे यहाँ सरपंच के वहाँ पे हमने प्रोग्राम बजाया था आपका मुंह देख के, आधा कला को होगा एक कला का होगा, मैंने बजाया था वहाँ पे प्रोग्राम आपका मुंह देख के, मैंने बोला नहीं भाई मेरे को पैसा दे दे, क्योंकि रिलेटिव आपका था मेरा नहीं था। आपने हमें 25-30-40 हजार रुपए छोड़ दिए, तो आप उपकार कर रहे ऐसा, और हमने 50-40-50 लाख का बैंड फ्री में बजाया, उसका उपकार कौन फिटेगा भाई, तो वो तूने नहीं बजाया भाई, अकेले ने हमने भी मिलकर बजाया है, तो उसका हिसाब जरूर करेंगे, बोला है ना, तो 2-4 लाख रुपए वो ना मैं अकेला देता भाई, तुम लोग नहीं देते वो पैसे, वो बराबर है, हम आएंगे हिसाब करेंगे उस दिन पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, मुझे पता है आप लोगों को कितना पैसा है और मेरा आपके पास कितना पैसा है, इसलिए मैं ये बात अभी बोल रहा हूँ, आप मेरे इतने प्रोग्राम बजाए तो उसका हिसाब करके मुझे पैसा दे दो, जो लेगा वो आपको दे दूंगा, मिलते हैं। तो गाइस यही तक इन्फॉर्मेशन देनी थी और सच्चाई यही थी, ये लोग जित 2-2.5 लाख रुपए लिए थे, ये तो किसी को बताया नहीं था कि हमने इतने पैसे लिए और इतने बाकी रह गए, जो लिया था वो तो हमें बताया था, बाकी है बाकी, ये बात तू बोल सकता है बाकी है, तेरे रिलेटिव में शादी थी, तू क्या बोल रहा था, टेटस रख के धंधा धंधे पे जगह, हाँ, जाली, जाली, और दोस्ती पे जगह, दादा अपन तू प्रोग्राम लेती वो दाखलो का यही प्रोग्राम नहीं ले दो एक ही, तूने बहुत क्या बोल रहा था, मेरी इज्जत चली जाएंगी, तू प्रोग्राम नहीं लेगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा वहाँ पे, ऐसा तू बोल रहा था, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा वहाँ पे, ऐसा तू बोल रहा था, और वो प्रोग्राम की जब मिस्टेक हुई थी तो जब वो 5 हजार मेरा फुटका दे के मैंने दूसरा बैंड करके दिया था, केड़ा गलती थी प्रोग्राम तुम लिखे ना, तो केड़ा गलती, वो तो मेरी गलती थी, मैंने मान लिया, लेकिन आप जैसे आपकी जैसी सोच रही थी ना, मैं ऊपर हाथ कर देता और बोल देता, तुम कुछ भी करो ऐसा, लेकिन मैं व्यवहारिक हूं, इसलिए मैंने बोला था मैं खुद का पैसा डाल दूंगा, दूसरा बैंड कर देना, ऐसा पैसा दे दिला उन्होंने, जो कहा जातो चार जातो ताता पैसा दे दिला इसका पैसा कौन देगा जो मैंने 80 हजार का प्रोग्राम फ्री में बजाया था, उसका पैसा कौन देगा, तेरे पास में नहीं बजाया था, 10 हजार तू बोल रहा है कि मेरा 10 हजार छपरिया छपरिया को, मैंने नाम लेके
किने बोला था, छपरी गैंग बोला था। और ये बात मुझे पता नहीं, आप लोग ये बात दिल पे ले लेंगे ऐसा। गैंग मंजे का आवे है, गैंग मंजे का आवे है। गैंग तो गैंग ही होती है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये बात। आप जयेश भाई, जयेश भाई, लवली भाई, एक मिनट भी गैंग छपरी रहा दादा का एक और अक्कू को बोल देना तेरे साथ यहाँ पे आधा एक अलग बैंड बजी थी ना फ्री में, उसका पैसा दे देना 30-40 हजार पैसा। और यहाँ पे 50-60 हजार तुम्हारे लाख रुपए भी होंगे ना, मैं दूसरे 40 लाख तुमको 1 लाख दे दूंगा पूरे। मेरे जब 60 होगा ना, मैं 40 ढूंढ के 1 लाख दे दूंगा आपको। चल पैसे दीजिए तो अभी ये कमेंट है, ये कमेंट है मेरे पास। वो बोल रहा है छपरी डांस, और वो तुम उसको का कमेंट कर यार, ये ऑडियंस का काम है भाई। वो तुमको छपरी बोलेंगे या टपरी बोलेंगे, आपको एक्सेप्ट करना है। ऑडियंस से कुछ नहीं होता भाई, ऑडियंस जो आप उसे ये आप बेशर्मों की तरह आप उसको रिप्लाई देने से कुछ मजा नहीं आएगा भाई। ऑडियंस जो बोले वो, पर तू तो तेरे यहाँ काम किया है, तेरे को क्या बोलने का हक है? ऑडियंस का है ना, तो तू क्यों गांड उंगली कर रहा है? मैं भी ऑडियंस ऐसा समझ लो, ये बैंड को साइड में रख दो, मैं भी ऑडियंस हूं आपका। मैंने बोले छपरी गैंग ऐसा बैंड का मालिक है ना रे भाई, बैंड का मालिक। मैं बैंड के ऊपर कभी गर्व नहीं किया भाई, पूरे एरिया में बैंड के ऊपर कभी गर्व नहीं किया मेरा बैंड है या नहीं है। क्योंकि मेरे बैंड में जब काम कर रहे थे ना, तुम लोग रात के 12 बजे उतर के गायब हो जा रहे थे, ये बात भी आपको बोल सकता हूँ मैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जो जो करता था उनको बोल रहा हूँ। जो लोग जो गाते थे उनको ज्यादा रोज दिया था क्या? जो गाते थे उसको ज्यादा रोज दे दिया था क्या? मेरे ऐसी सोच रहती ना, तो मैं आपको बोल सकता था मैं सिंगिंग करने के पैसे दे रहा हूँ भाई, या घूमने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ, तभी बोल सकता था आपको। दो 2-2.5 हजार रुपए में रोज दे रहा था, फुकट में नहीं आ रहे थे तुम। और तुम मालक बन के जितना जो टाइम लगता था वो टाइम पे बैंड से उतर के चले जा रहे थे, पर सोने नहीं जाते थे भाई, बाद में आते थे। और एक पूरे कुछ क्या करने जा रहे थे वो बताओ, सोने के बाद मत बताओ, क्योंकि मुझे पता है मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोल दो, आप कौन से गांव में किधर गए थे, कौन से गांव में कहाँ थे, मेरे को सब पता है। हाँ बोल दो, आखिर से नहीं बोल दूंगा मैं। आप कहाँ थे और आपको कौन लेने को आया था? मैं खुद, क्योंकि मैं खुद आपको लेने को आया था, मेरे को पता है। हाँ तो बोल दो ना भाई, उसमें क्या है भाई? लोगों को चुतिया बनाना बंद कर दो, जो सच है वो बोल दो। हम उसको पैसा लगने वाला था और हम बैंड में नहीं रहने वाले थे, ऐसा बोल दो। पैसा नहीं दिया इसलिए हमने नहीं गए, नहीं गए बैंड में ऐसा। जब हमने बैंड में नहीं काम करने का था, हमको पैसे कितने की जरूरत थी, कितना लगने वाला था, वो सब बोल दो पब्लिक को। जब के बैंड में आए थे, नसीब वालों को नहीं बोला था हमने, MJ वालों को नहीं बोला था हमने, सुपर जनकर वालों को नहीं बोला था, उनको छोड़ के आ गए थे हम के में, तब उनको कही ये बात। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने मेरे ऊपर बहुत, मैं मतलब ऐसा नहीं किया, आप लोगों ने आया और के का नाम बड़ा किया और के आज यहाँ पे इतने ऊपर है, ये मैं बोल सकता हूँ। आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, लेकिन भाई आप 20-25 हजार रुपए के लिए आप जो मुझे बोल रहे ना, वहाँ पे मैंने 20-25 लाख रुपए खर्चा भी किया है। तुम तो वो सामान हमने घर लेके जो बोल रहे हैं ना, मैंने 20-25 लाख वहाँ पे मैंने खर्चा भी किया है। तो वो 20-25 लाख रुपए मेरे पास आ रहे थे ना, वो तो तुम्हारा सामान हमारे घर पे पड़ा, मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता, तुम लाख रुपए में किलर, तुम लाख रुपए में नील हो जाते। तो उसका सामान हमारे घर पे पड़ा है जो लिया, वो तो आपकी मर्जी से लिया था। मैं तो बोल रहा था मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम बैंड चलाएंगे, लेकिन आप बोल रहे थे इज्जत का सवाल है भाई, साउंड लेना पड़ेगा, इज्जत के सवाल है, साउंड लेना पड़ेगा, इज्जत किसकी बड़ी? अरे भाई वो तो आप भी बोल रहे हैं ना, हमने के का नाम ऊपर लाया ऐसा, आपके वजह से आप इज्जत बढ़ी, नहीं तो हम क्या करते, मैं अकेला बजा नहीं सकता था। साउंड हमारे घर पे पड़ा है क्या अभी? साउंड हमारे को है का, साउंड है चौपे जाएगी, तू लूज काम लागी कि नहीं, एक दिन बेचो तो पैसा दियो का तू, मैं बोल रहा था आप कहोगे मैं साउंड बेच के आपका पैसा भी दे दूंगा ऐसा। गोलू भाई बोल रहा था कि जन दो अपन बैंड चला लेंगे, इसलिए मैंने ये के चलाया था, वो ना बोल देता तो बंद कर देता। बोला ना
कि कभी बोला कि भाई हमारा साउंड बेच के पैसा दे दो या कुछ करो, ऐसा कुछ बोला? फोर्स किया भाई पैसे? लेकिन दे। आप सप्रे गैंग के बात बोल रहे थे ना, ये बात मुझे कॉल करके भी बोल सकते थे कि आपने ऐसा क्यों बोला था। आप स्टेटस रख के ये बोल रहे थे ये पैसा दो बियर, वो बात दो बियर के कमेंट से के ये मुझे आप रात के 12 बजे भी कॉल करते ना, मैं एक्सेप्ट कर लेता, मैंने ये बोल दिया था ऐसा। तो वो बोल, लेकिन आप ये बात तीनों चारों मेंबर अलग अलग बात बना के स्टेटस रखा था भाई, बोलने की बात अपने होगा मेरे बोलने भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलने का रीजन क्या था ऐसा? हमने तो काफी दिन हो गए कुछ नहीं बोला आपको। ये बात तो मैंने आपको बोला था कि ये तमाशा बंद कर दो। तो वो हाँ वही तो वो तमाशा क्यों? बात तो सही है आपकी, सही मेरी बात भी सही है, तमाशा बंद कर दो आपको, अपन को मार्केट में काम करने का है। हाँ तो फिर क्यों? बात ये हुई क्या, वो जो लड़की थी लायो वो आपके रिलेटिव थी और मेरे भी थे, मैं उसके साथ में मजाक में सब बात करता रहता, कभी भी किसी भी टाइम पे उसको मैसेज करता रहता। मैंने उसे मजाक में मैंने इमोजी डाल के छपरी गैंग बोल दिया था, मुझे पता नहीं। आपको पता है ना, बात आप दिल पे ले लेंगे। आपको पता है ना, जो लाइव आते हैं उसका यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट जल्दी ही ले लेते हैं, वो तो पता था आपको। उसने उस दिन आपने ये, बड़ी अक्कल वाली बात की थी। ये मुझे अच्छे से पता था, वहाँ पे खाली 3 आदमी थे और तीन के अलावा मैं चौथा था, बस 4 के अलावा कोई नहीं था। वहाँ पे 10 आदमी भी रहते तो मैं कमेंट कर, मैंने 2.5 महीना निकल गए, पूरा सीजन निकल जाता, किसी के बैंड के ऊपर एक कमेंट नहीं करता और किसी बैंड को मैं नेगेटिव में नहीं लेता। जो भी बैंड है उसकी जगह पे ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है। बैंड को कमेंट करने का और उसको ट्रोल करने का, उसको ट्रोल करने का ये इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ, हमको कुछ पब्लिक बोलेंगे तो उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे क्या गलती हो रही है? हमारी एक ही बात थी कि भाई आप लाइव आके क्यों बोल रहे थे, हमको भी कॉल करके बोल देते भाई छपरी जैसा मत करो। नहीं, ये बात तो सब ये तो अपने मुंह में थे, अपने के चला रहे थे छपरी गैंग छपरी डांसर, अब तो हम दूसरे लोगों को भी बोल रहे थे। और ये आप इन लोगों के साथ मैंने कल बात किया था, अच्छे से बात किया था, आपसे भी बात की थी मेरे को, मेरे दिन मैंने कल ही इनके साथ में सुबह में इनके साथ में बात किया था। मेरे दिमाग में ऐसा रहता है इनके बारे में नेगेटिव विचार, तो मैं इनके साथ में बात नहीं करता। लेकिन ये बात मैंने कल, मेरे को पता नहीं, बात आप दिल पे ले लेंगे। और चार के अलावा मैं वो तीन थे और चार में चौथा था, चार आदमी के अलावा किसी के ऊपर वो कमेंट नहीं थे। और आपके ऊपर मैंने कभी यूट्यूब पे नहीं कमेंट किया और कभी फेसबुक पे नहीं, किधर इंस्टा पे नहीं कमेंट किया अभी तक, क्योंकि इतना टाइम नहीं। अपनी गोदड़ी अपन संभालेंगे, दूसरों को क्या देखेंगे भाई? अपनी गोदड़ी अपन को नहीं संभालने जा रही तो दूसरों की क्या संभालेंगे? ये हम अच्छे तरह से हम सोचते है और विचार करते है। और आप लोग इसीलिए कमेंट कर लोग ट्रोल करते और आप उसे रिप्लाई देने चले जाते, अरे भाई वो बोलने दो, उनका काम ही है, इसीलिए कमेंट कर दी थी। जो लोग कमेंट करते हैं उनका काम ही है ना, जावे नेरा, तू मालक तो है। अरे हमारी छपरी गैंग के कॉर्नर, छपरी गैंग के कॉर्नर यहाँ पे है, ये भी छपरी कहलाते हैं हमारे लवली। ये लवली भाई के साथ में मेरा कोई, इनके साथ में मेरा अच्छा संबंध है भाई, इसको मैं नहीं ले सकता इस गैंग में, जो गैंग के अपने पास इसको बोल सकता। गैंग आई नहीं, गैंगों में भी आई नहीं, जो गैंग थी उसको गैंग बोला मैंने। जेस भाई भी अभी उस गैंग आई नहीं, ट्रोल मत करो और आप उसे मजबूर मत करो दोस्तों। उसके साथ में मेरा संबंध अच्छा है, उसके साथ में मेरा रिश्ता संबंध है। मैं उसको नहीं बोल सकता। आप जब के छोड़ के गए थे तो छपरी लोग और धोखेबाज लोग आपको बनाया था, लोगों ने आपको बनाया था, इनको ने। ये जो लवली भाई है ये तो बाद में आया था, इसका कोई संबंध नहीं आपके साथ में, ये तो बाद में आया था। सवाल बात तो सही है लवली भाई आपकी, मैटर करने की कुछ प्रॉब्लम नहीं। बात ये थी कि मैंने इनके साथ में कल ही बात किया था कॉल पे, सुबह में बात किया था और ये नाइट में ऐसा था कि जिस बंदी से साथ में मैंने ये कमेंट किया था ना, वो उनके साथ में भी रिलेटिव है और मेरे साथ में भी रिलेटिव, तो मैं मजाक मस्ती में वो कमेंट कर दिया था छपरी गैंग, वो लाइव में मुझे दिखा रही थी सुपर जन स्पेशल मैसेज की देता थी यूले। ये बात सिर्फ चार लोगों में थी भाई, ये पब्लिक की बात आपने की थी, ये बात सिर्फ चार लोगों की बात थी। तो वही तो शॉट लेके तुमने टेटर कर सकता हूँ, मैंने आपको भी बोल दिया ये मेरी गलती है भाई। हाँ तो ज्यादा
फिर घुमा फिरा के वही बात बोलते हो। अब कुछ सिंगर बोलता है पांच पोरा के लिए पैसा है, वही सारे लोग है जो टेके के ऊपर लाए। भाई तुम टेके में आते नहीं भी आते कुछ रखने पड़ता स्टार्टिंग में से। टेके का कोई आपके पास मुझे प्रूफ नहीं था। आप केके के मेंबर तो कोई और ही सबको पता है कि किसके वो भी पता है। आप होते या ना होते तो भी कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला था। ऐसा नहीं कि आपने केके बनाया था और आपने नाम ऊपर लिया था। आपने तो फुकट काम नहीं किया, पैसा लिया था मेरे पास से। पर भाई जब अपने मेंबर नहीं आ रहे तो हम खड़े थे, ऐसी बात है। वो बात मैं एक्सेप्ट कर सकता था जो साथ में था। जब को जो साथ में नहीं था तब हम साथ में थे, और जो साथ में अभी वो साथ में नहीं थे। अब मैं किसको कहना चाहूंगा ये बात। नाइट 1-2 बजे तक हम घूमे हैं दोस्तों, कि जब केके बन रही थी तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी वो हमें भी पता है। कितने घूमे थे हम, पर क्या बोले। और हेलो हेलो। और आप लोगों को ये छपरी बात की छपरी गैंग की बात बुरी लगी हो तो मैं ये बात की मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बात को टारगेट बना के रख सकता हूँ। आप छपरी लोग होंगे तो आपको लगेगा ये बात। बोला तो हमारी वीडियो पे ही है तो हमें ही लगेगा ना भाई। तुम थोड़ी के पब्लिक। अभी मैं ये छपरी गैंग को टारगेट करूंगा, जो कि फिलहाल की अभी हालत में मेरा दुश्मन कोई नहीं था। बैंड इंडस्ट्री में सभी बैंड वालों के साथ में मेरा संबंध अच्छा था, कोई मालक के साथ में। आप लोगों की वजह से मेरा 2-3 बैंड वालों से मेरा संबंध बिगड़ गया था पिछले साल भी। जो कि पिंटू भाई थे उसको मैंने बहुत कुछ बोल दिया था पिछले साल MTR के लिए। आप आर्टिस्ट को वजह से मेरा संबंध खराब हुआ था। मैं जहाँ पे खा पी के रह के आया था वही पे मेरा संबंध खराब हुआ था। और जैसे आज तुम्हारे आर्टिस्ट के वजह से मेरा सतीज भाई से भी ऐसा संबंध खराब हुआ था। तुम इधर से चले गए उधर से इधर आ गए ऐसा करके उनके साथ में मेरा भी झगड़ा हुआ। ये बैंड वालों के साथ मेरा तुम वजह से जो मैनेजर उनके साथ में मेरा संबंध आप लोगों से खराब हुआ। पर गए साल हम सुपर सिंगर में से निकले तो सतीश भाई ने समझदारी दिखाई थी भाई आर्टिस्ट से। सतीश भाई ने समझदारी दिखाई थी भाई आर्टिस्ट से, कहीं भी जा सकता है तो वैसे समझदारी आप भी दिखा सकते थे। मैं तो आज बोल रहा था आर्टिस्ट आप लोग गए थे, मैंने आपको बोला नहीं ना, बोला नहीं था और उनको भी नहीं बोला था। मैंने सिर्फ उतना बोला था सोनू भाई को भेज दो, वो चार आते होंगे तो उनको रख लो। मैंने ये अच्छे तरह से बात की थी, ये सोनू भाई ने झगड़े में नहीं बात की थी, ये मैंने व्यवहार में बात की थी। सोनू भाई को जबरदस्ती पैसे नहीं दिए और उनको तुम चले गए थे, और मैं उनको कॉल करके भी बोल सकता था कि हमारे आदमी को आप पैसे देके बोला ले, ऐसा भी मैं उनको बोल सकता था। लेकिन मुझे नहीं बोलने की जरूरत थी। आप चले गए और आपका पैर पड़ने का कुछ क्या काम है भाई। आज तुम्हारे भरोसे बैंड चलाएंगे, अगले साल भी तुम्हारे भरोसे बैंड चलाएंगे, हमारे बेबी बच्चे कौन देखेगा अगले अगले सीजन में, अगले हमारे पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे भरोसे बैंड चलाएंगे तो कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा ना। आधे सीजन में भी बात बोली थी आपने, जिसको जाना है वहाँ जाओ। ये बात मैं अच्छी तरह से आपकी बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं आपको क्योंकि मैं आपको खरीद नहीं लिया ना मैंने कि तुम मेरे साथ में रहो यहाँ पे रहो, और तुम गए थे पांच पांच तुम छह गए थे फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं था। चलो तुम निकल गए, मैं तो सोच लिया था बैंड बंद कर लेंगे, ये दुकान बंद करके नया दुकान ओपन करेंगे ऐसा मैंने सोचा था। ये दुकान बंद कर देंगे और नई दुकान खोलेंगे ऐसा मैंने सोचा था। केके टू खोलने वाले थे ना भाई, क्या अभी झूठ बोल रहे हैं। और तो नई और जूनी यही बात हुई ना, केके बंद होती तो केके टू भी चालू होती, नया दुकान ही खोला होता ना भाई। तो फिर और आप कौन से आर्टिस्ट को लाए थे केके में? मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था, मैंने सब निकल गए तो उसमें क्या पश्चाताप करने की बात। फिर मैं सेटिंग में था भाई, मैं ऐसा बोल रहा था। गोलू भाई ने बोल दिया था एक दिन मेरे को, मैं दूसरे बैंड में जाना वाला, चलेगा तू जाता होगा तो भी चलेगा। फिर उसने और बोला मैं तेरे साथ में रहूंगा अपन चला लेंगे, फिर उसको बोला चलेगा अपन को जुगाड़ करेंगे। फिर हमने सोनू भाई को बुलाया और ऐसे वैसे करके हमने के चलाई, नहीं तो बंद कर देंगे। हम बंद करने वाले थे, हमें कुछ कम पछतावा नहीं था क्योंकि हम पहले ही छोटा बैंड चलाने वाले थे। हम वो भी चला लेते तो भी हमको, तो हम निकल गए उसका क्यों करे वो? हम उसका पछतावा नहीं किया,
हमने तो पता है, नहीं किया पता है, पर मेरे को पता है केके से निकलने के बाद केको के आर्टिस्ट के साथ क्या किया जाता है वो मेरे को पता है। मैंने आपको भाई बैनर भी फाड़ देते हो, नेगेटिव बैनर फाड़ दिया और कमेंट देते हो, बैनर फाड़ देते हो, फिर ये तो गाली देते हो। मैंने नहीं बोला था उनको कि इनका बैनर फाड़ दो, वहाँ सभी मेंबर है, वो अपने सभी केके मेंबर है, कोई नहीं, किसी ने बोला नहीं। और जिसने बैनर फाड़ा था वो तो आप भी पहचानते हो, मैं भी पहचानता हूँ, सभी पहचानते हैं। आप उनको बोल सकता था भाई तूने मेरे साथ गलत किया, आप तुम्हारा और हमारा संबंध अच्छा है, आप ऐसा नहीं करने 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 को चाहे था, ऐसा आप उनको बोलने का था। हाँ, ये बात पर वहाँ पर केके के मैनेजर भी खड़े थे, फिर कुछ नहीं बोला उसने, तो वो भी प्रूफ है मेरे पास। मैं तो रिस्पेक्ट देके उसको बोला था भाई अपने बंदे रहने दो, ऐसा तमाशा मत करो, बैनर की बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसको बोला था, लेकिन वो भाई ने नहीं माना। वो अभी हमको नहीं पता आपने बोला था या नहीं, क्योंकि वीडियो में तो हमको पता है कौन क्या बोल रहा है, तो वीडियो है हमारे पास। वो बात तो सही दोस्तों, किसी को देखना है तो वो देख सकते हो। मैंने क्या नहीं बोला था, वो भी वहाँ पे वीडियो में था, वीडियो देखना है तो देख सकते हो। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा अभी थोड़ी टाइम में, केके से निकलने के बाद आर्टिस्टों के साथ क्या किया जाता है वो भी अपलोड करूंगा मैं। ऑलरेडी आपका बैनर फाड़ा था, लेकिन आप जिसने बैनर फाड़ा था उसके साथ में आप बोल सकते थे उसको। और वहाँ पे कौन था दोस्तों और क्या कौन बोल रहा है वो भी देख लेना, वो भी दिखा दूंगा मैं थोड़ी टाइम में, जैसे ही लाइव कट होगा वैसे वीडियो अपलोड कर दूंगा मेरी चैनल पे। दोस्तों देखना हो तो आ जाना मेरी चैनल पे भी, अक्कू चैनल की भी, दया भाई पे, और सभी चैनल पे आ जाएगा वीडियो, सभी देख ही लेना भाई क्या किया जाता है केके के साथ जब आर्टिस्ट निकल जाते है तब। हाँ ये तो सभी पब्लिक को पता है, जो अभी भी कमेंट करते हैं आपको आपको पता है, और सबको पब्लिक को भी पता है। हाँ, क्या कहते तो जो आर्टिस्ट धोखा देके जाते हैं, जो निकल जाते हैं उसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं पब्लिक और ऑडियंस क्या बोलते हैं वो सभी को पता है। धोखा किसे कहते हैं भाई, आधी सीजन में गायब हो जाए उसे धोखा कहते हैं, हमने पूरा सीजन निकाल दिया था भाई। तो बैंड बनाने के लिए तो आपने साथ दिया था के अपन चलाएंगे, हम बनाएंगे, अपन चलाएंगे, बैंड बनाने के लिए तो आपने सपोर्ट किया था, और बैंड को बंद करने के लिए भी आपने सपोर्ट किया था। एक साल तो निकाल दिया ना, क्या है अभी उसमें, और तो बहुत अच्छा काम किया आपने, एक साल निकाल दिया तो आधी सीजन में जाते तो गांड बढ़ जाती, वो बात नहीं की ना, नाम ऊपर ला दिया तो इसीलिए उसके हमें वो क्या कहते है वो दे रहे हो कमेंट करके। मैं तो ये बात फ्रेंडशिप में और मजाक मस्ती में बोला था, अल्लाह भाई सब स्पेशल हमको कर देते, नहीं तो वो जो लाइव था उसको स्पेशल मैसेज कर देते, फिर पब्लिक सिटी क्यों कर रहे थे, चार हो या तीन हो या कोई भी, पर वो थोड़ी अपने पहचान के थे, लाइव तो लाइव था। आप मुझे कॉल करके भी बोल सकते थे भाई ये क्या है, हम सप्रे दिख रहे है क्या, वो दिख रहे, आप मुझे बोल सकते थे। 10:30 बजे में हर बार की तरह कॉम्प्रोमाइज हम ही कर रहे थे कि भाई ये क्यों वो क्यों ये क्यों वो क्यों। अरे भाई, तो हमने बोला चलो भाई नीलेश भाई अभी खुद, वो तो आउटसाइड के मेंबर कर रहे थे तो हम बात को टाल देते थे, पर अभी खुद वो मैनेजर उठ के खड़ा हो गया है हमारे सामने, तो अभी क्या करने का उसके साथ भाई। मैं खुद बोल रहा था ये काम बंद कर दो ऐसा, लेकिन कल गलती से मेरे से वो तीन चार आदमी देख के मैंने बोल दिया छपरे गैंग, वो बात पर वो तीन चार पहचान के थे क्या हो या नहीं, तीन चार पहचान के थे क्या आपके? ये छपरी गैंग की बात मैं अभी दिमाग में नोटिस कर लिया, क्योंकि मैं आपको टारगेट बना लूंगा, आप छपरी गैंग हो ऐसा। हाँ, आपने तो कुछ नहीं कर लिया, हम तुम एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, हम क्यों छपरे हैं हम ऐसा, तो अच्छी बात है तुम छपरी है तो। हाँ सभी हम छपरी गैंग आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये रहे हमारी छपरी गैंग, ये एक दो तीन, और अभी कोई जरूरत नहीं भाई, सबको पता है सबको छपरी गैंग में कौन कौन शामिल है ऐसा, और आप यहाँ पे बताने से कुछ नहीं होगा, वो तो सभी को पता है छपरी कौन है ऐसा बराबर, क्योंकि छपरी हम रहे तो हमको भी लोग ट्रोल करके मैं कमेंट कर देते तुम छपरी हो तुम ऐसो वैसो, हम ये बात को हम अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेता, तुम्हारे जैसा तुम्हारे वैसी सोच नहीं हमारे को, उनको रिप्लाई देने में तुम्हारा क्या जाता तुम क्या है वो है, ये इतना टाइम नहीं हमारे पास देना, इसीलिए तो कल आ गया था। टिप्पणी को सुधारने के लिए हम सहमत करेंगे, हाँ भाई हमारी गलती है, टाइम तो बहुत है तेरे पास, इसीलिए तो भाई कल लाइव आके कमेंट कर रहा था आपके ऊपर, ये जो लाइव में बोलने वाला ये बोलने का उद्देश्य ये था
अभी के छपरी गांव के बात हो गए, सीजन में कोई बंदा आपको कुछ क्या बोलेगा क्या बोलेगा, और फिर आप घुमा फिरा के बात। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं भाई, क्योंकि वो खाने देने नहीं आते। तू खाने देना आता था तो तू क्यों बोल रहा था, वो बात पे हमारा पॉइंट है भाई। वो जो बोले उसको तो हम पहचानते नहीं, हम उनको पहचानते नहीं, तुम उसको पहचानते है। तो भाई तेरा और हमारा तो सब क्लियर हो गया था, तो तू क्यों अचानक जाग गया था ऐसा बोल रहे हैं हम। मैं ये बात एक्सेप्ट कर लिया था, छपरी तो बस यही भाई, हमने काफी दिन हो गए कुछ बोला नहीं था, तो अचानक उत्पन्न हो गए थे आप ऐसा। एक बात से आप चार बात बना के स्टेटस बनाया इस बात, ये बात पे मुझे हाँ ये बात नहीं करता ना तो हम नहीं करते भाई, हमको कोई पूछने नहीं होती है। चार बात बना के आप स्टेटस बना के रख रहे, ये बात मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला था। तो मैंने तेरे मामा को बोला है कि भाई मीडिया गांड उंगली नहीं करता तो हम भी नहीं करते, हमारी कोई तेरे जैसी मत मारी नहीं गई कि भाई हम खुद गांड उंगली करें। मुझे तुम कॉल करके बोल सकते थे, तो तुम भी कॉल करके हमको बोल सकता था भाई, तूने नहीं कॉल किया तो हमारी क्या एक हमारी मतलब तुम्हारा छोड़ दे दूंगा तुम्हारी ऐसा बोल देता तो हम तेरे को कॉल करके बोलते छपरी गैंग, तो लाइव में आके मुझे बोल देता, लाइव में आके मुझे हमें छपरी गैंग बोला था, उससे माफी मांग लो आप, सॉरी बोल देता तो मैं सॉरी भी बोल देता। हाँ तो फिर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, पहले तुम माँ चोद लो फिर हम बोलो कि सॉरी भाई मैंने माँ चोद ली, ऐसा बोलो। मैं विचार नहीं करता किसी के बारे में कि इसका ऐसा और वैसा और ये लोग ऐसा, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। पर वो ये तो वही बात हुई ना कि पहले माँ चोद ली फिर बाद में बोला भाई सॉरी माँ चोद गई है अभी सॉरी, तो ऐसा ऐसे ऐसी बात हुई ना। ये तो पता है सब, पहले काम हो गया है, अभी बोलने का काम ही नहीं, पहले हो चुका है। चलो चलो वीडियो देखना भाई, हमारे यूट्यूब पे और सभी यूट्यूब पे आ रहा है वीडियो। चलो भाई मिलते हैं, तब तक के नीलेश भाई के साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल पे वीडियो आ रहा है देखना ना भूले भाई। इन लोगों को मैंने बोला था कि आप ये पिक्चर कभी न कभी इंड होने वाला था, क्योंकि ये चलने ये पिक्चर आज नहीं इंड होता तो ये चलने वाला था, क्योंकि ये बात घुमा फिरा के यही पे आ रही थी पैसों के बात पर। ये पैसों की बात बोल रहा है, जो इनके यहाँ मैंने फ्री में प्रोग्राम बजाया था वो उसका उकार मैंने किसी को बोला नहीं और बोल भी नहीं सकता, लेकिन उनके पैसे थे तो ये लोगों को बोल सकते, बोल रहे थे कि हमारा पैसा लेना है ऐसा। अरे भाई 40-50 लाख रुपए का बैंड तुम्हारे या फिर बिना डीजल का बजाया था वो उपकार किसको बताऊंगा मैं, और आप हीरो बन रहे और ये सभी लोगों को पता है इसमें कोई गैंगस्टर है कोई छपरी है और कोई विलन है और इसमें कोई हीरो है, सबको पता है। तो गाइस वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड किया होगा तो यूट्यूब पे अच्छे से बड़ा थंबनेल बना के डालना छपरी गैंग के इस बैक न्यूज, अच्छा बड़ा थंबनेल वाला बनाना दोस्तों छपरी गैंग के लिए। और इन लोगों को मैं टारगेट पे बना लूंगा अभी छपरी गैंग, और सभी लोगों को पता है छपरी कौन है और कौन क्या है ऐसा। तो मिलते हैं दोस्तों कल परसों लाइव में।